तो बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता दें, जहां एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के निधन पर राजकीय शोक की घोषणा की है और अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट छत्तीसगढ़ से, जहां एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। आपको बता दें कि विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के निधन पर राजकीय शोक की घोषणा की गई है और अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उनके निधन से बस्तर के साथ प्रदेश में शोक की लहर है। मंडावी के निधन पर राज्यपाल अनुसुईया उइके, सीएम भूपेश बघेल, चरणदास महंत, मोहन मरकाम और कवासी लखमा समेत दिग्गज कांग्रेस नेताओं ने शोक जताया है। मंडावी की कार्यशैली से उनके दल के साथ विपक्षी नेता भी प्रभावित रहे। नारायण चंदेल समेत दूसरे बीजेपी नेताओं ने भी शोक जताया और समाज के लिए उन्हें अपूर्णीय क्षति बताया है। विधानसभा उपाध्यक्ष श्रद्धेय मनोज मंडावी जी हमारे बीच नहीं रहे, मैं उनको मेरी ओर से, मेरे दल की ओर से सत सत नमन करता हूँ, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका जाना हमारे लिए बहुत अपूर्ण क्षति है, आदिवासी समाज के लिए अपूर्ण क्षति है। इस दुख की घड़ी में उन परिवार जनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें, ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। मेरे को 6:30 बजे खबर मिला है, उस समय से मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मनोज मंडावी एक आदिवासी बहुत बड़ा चेहरा था। जब भी आदिवासी का बात होता था बस्तर के बारे में दमदारी से लड़ता था। आज हमारा बीच में नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम करने वाले मनोज मंडावी जी रहे हैं, सभी दलों के साथ उनका बहुत अच्छा संबंध रहा है और जो प्रतिबद्धता उनकी अपने पार्टी के लिए, समाज के लिए होनी चाहिए कि उस क्षेत्र का विकास कैसे हो, उसके लिए सतत उनका प्रयास करना, एक युवा नेता के रूप में उभर करके सामने आए थे और एक कदावर नेता के रूप में यहां से विदा हुए हैं। सवेरे 4:30-5 बजे निवास स्थान में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, चारवा हॉस्पिटल ले जाया गया। चारवा हॉस्पिटल में तबीयत ज़्यादा खराब होने से उनको यहाँ के लिए रिफर किया गया धमतरी के लिए, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि लाते लाते रास्ते में ही उनका यहाँ पे निधन हो गया, जिसकी घोषणा यहाँ धमतरी DCH में की गई। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, ये बहुत बड़ा नुकसान है, उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। भानुप्रतापपुर विधायक और छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष दिवंगत मनोज सिंह मंडावी अपने छोटे बेटे अमन मंडावी की कामयाबी से बेहद खुश थे। अमन मंडावी युवा कांग्रेस कांकेर के नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इस पर उन्होंने 2 दिन पहले ही IBC 24 को अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। खुशी से भरे ये पल और उनका बयान उनकी जिंदगी का आखिरी बयान बन गया। भरी बरसात में यहां के युवा कांग्रेस के साथियों ने, कांग्रेस कमेटी के साथियों ने, NSI के साथियों ने और सभी महिलाओं ने और पुरुषों ने जिस हिसाब से स्वागत और सत्कार किए, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं का इस प्रकार से यूथ कांग्रेस के प्रति समर्पण, राहुल जी के प्रति समर्पण, सोनिया जी के प्रति समर्पण और खासकर इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी के प्रति समर्पण का एक प्रयास वाची है। मैं कह सकता हूँ कि आज इतने लोग इकट्ठा होकर यूथ कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं, सब साथियों का स्वागत किया गया। आज के अवसर पे मैं इतना कहना चाहता हूँ, सभी जनताओं का, कार्यकर्ताओं का, युवा कांग्रेस के, कांग्रेसियों का, महिला कांग्रेस का और सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार से सभी जितने भी हमारे यूथ कांग्रेस के जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको मैं शुभकामना देता हूँ, उनको आशीष देता हूँ कि वो अपने जीवन में खूब उन्नति करें, खूब आगे बढ़े और कांग्रेस के जीत में, कांग्रेस के उन्नति में और खासकर राहुल जी को और सोनिया जी को मजबूती दें। ऐसी मेरा सोच है, ऐसे उनसे निवेदन है।
आज छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके निधन से बस्तर के साथ प्रदेश में शोक की लहर। राज्य में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। आज शाम 4:30 बजे मंडावी को गृहग्राम नाथिया नवागांव में अंतिम विदाई दी जाएगी। उन्हें अंतिम विदाई देने लोगों के साथ राजनीतिक जगत के दिग्गज उनके गृहग्राम पहुंच रहे हैं। मंडावी के निधन पर राज्यपाल अनुसुईया उइके, सीएम भूपेश बघेल, चरणदास महंत, मोहन मरकाम और कवासी लखमा समेत दिग्गज कांग्रेस नेताओं ने शोक जताया है। मंडावी की कार्यशैली से उनके दल के साथ विपक्षी दल के नेता भी प्रभावित रहे। नारायण चंदेल, धर्मलाल कौशिक समेत दूसरे बीजेपी नेताओं ने भी शोक जताया और समाज के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। एमपी युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष और महासचिव भी रहे हैं। 1988 से 2000 तक आदिवासी मंत्रण समिति में भी रहे हैं। साल 2000 में राज्य मंत्री गृह मंत्री का दर्जा मिला। 2013 में दूसरी बार छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य चुने गए। साल 2018 में तीसरी बार छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य चुने गए। 2019 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए गए। 14 नवंबर 1964 को मनोज मंडावी का जन्म हुआ था। 1998 में पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य साल 2000 में राज्य मंत्री गृह मंत्री जेल का पदभार संभाला। साल 2013 में दूसरी बार छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य चुने गए। साल 2018 में तीसरी बार छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य चुने गए। आपको बता दें कि 2019 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए गए। 14 नवंबर 1964 को मनोज मंडावी का जन्म हुआ था और 1998 में पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। एमपी युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष और महासचिव भी रहे। विधानसभा उपाध्यक्ष श्रद्धेय मनोज मंडावी जी हमारे बीच नहीं रहे। मैं उनको मेरी ओर से, मेरे दल की ओर से सत सत नमन करता हूँ, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका जाना हमारे लिए बहुत अपूर्ण क्षति है, आदिवासी समाज के लिए अपूर्ण क्षति है। इस दुख की घड़ी में उन परिवार जनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें, ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। मेरे को 6:30 बजे खबर मिला है। उस समय से मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मनोज मंडावी एक आदिवासी बहुत बड़ा चेहरा था। जब भी आदिवासी का बात होता था बस्तर के बारे में दमदारी से लड़ता था। आज हमारा बीच में नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। एक और बड़ी खबर है भानु प्रतापपुर से। छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी को अंतिम विदाई दी गई है। गृहग्राम नथिया नवागांव में मंडावी को अंतिम संस्कार किया गया है। अंतिम विदाई देने पहुंचे कई दिग्गज। जिले के प्रभारी मंत्री अनिला भेड़िया नथिया नवागांव पहुंची, विधानसभा उपाध्यक्ष के अंत्येष्टि में शामिल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। मनोज मंडावी का हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ। राज्य में एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी को अंतिम विदाई दी गई है। गृहग्राम नथिया नवागांव में उनका अंतिम संस्कार हुआ है, जिसमें अंतिम विदाई देने पहुंचे कई दिग्गज। जिले के प्रभारी मंत्री अनिला भेड़िया नथिया नवागांव पहुंची, विधानसभा उपाध्यक्ष के अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। इनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई।
राज्य में एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी की अंतिम विदाई, गृहग्राम नथिया नवागांव में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अंतिम विदाई देने के लिए कई दिग्गज पहुंचे हुए हैं। राज्य में एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष को अंतिम विदाई देने के लिए तमाम दिग्गज उनके गृहग्राम नथिया नवागांव पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष को अंतिम विदाई देने के लिए तमाम दिग्गज उनके गांव नथिया नवागांव पहुंचे हुए हैं। अंतिम विदाई देने के लिए जिला की प्रभारी अनिला भेड़िया, सौरभ सिंह परिहार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। सौरभ, एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है और अंतिम संस्कार में कई लोग पहुंचे हैं, जरा जो कुछ आप वहां देख रहे हैं, कौन कौन पहुंच रहा है, क्योंकि ये बड़ी रिक्तता है उनके जाने से, आप हमारे दर्शकों को बताइए, अपडेट दीजिए। बिल्कुल, देखिए ये दुखद घटना है और इस घटना के बाद जो है पूरे छत्तीसगढ़ समेत जो बस्तर है वहां पर भी जो है शोक की लहर है और खासकर जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। बात करें तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, आबकारी मंत्री कवासी लखमा और जो अन्य वरिष्ठ जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। यहाँ पर गाँव में जो है अभी सैकड़ों की तादाद में जो लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप जिस व्यक्ति, चलिए बात करेंगे सौरभ सिंह परिहार से विस्तार से। जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ की राजनीति में उनके जाने से शोक का माहौल है और एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। मनोज मंडावी को अंतिम विदाई देने के लिए तमाम दिग्गज राजनीति जगत से, सामाजिक कार्यकर्ता, तमाम लोग पहुंच रहे हैं। सौरभ लगातार जानकारी दे रहे थे, एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ बताइए। बिल्कुल, देखिए मैं अभी उनके गृहग्राम में हूँ। आप देख सकते हैं कि यहीं पर उनका जो पार्थिव शरीर है वो लाया जा रहा है और उससे पहले कि आप देखें कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कुछ देर में पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर जो अंतिम संस्कार किया जाएगा और इससे पहले कि हमारे जो कैमरामैन लखन शर्मा है वो दिखाएंगे कि किस तरीके से आज सुबह यहीं पर जो है घटना हुई थी, हार्ट अटैक जो है उनको यहीं पर आया था। सबसे पहले तो उनको जो सीने में दर्द है यहीं से हुआ, फिर वो उनको रवाना जो है वहाँ के लिए ले जाया गया चरामा के लिए, फिर और बेहतर उपचार के लिए जो है उनको ले जाया जा रहा था। तो इसी तरह धमतरी से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। आप देख सकते हैं कि सभी जो कांग्रेस के और भाजपा के तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुँच रहे हैं और निश्चित रूप से इस घटना से सभी लोग स्तब्ध हैं और आप देख सकते हैं कि एक दूसरी ओर जो है परिवार के लोग बैठे हैं। कुछ देर बाद पार्थिव शरीर उनका लाया जाएगा। अभी पूरे गांव में जो है उनके पार्थिव शरीर को घुमाया जा रहा है, ये एक आदिवासी की परंपरा रही है उसी अनुसार, और पूरी तैयारी कर ली गई है अंतिम संस्कार के लिए। आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद पर लोग यहाँ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कुछ देर बाद पहुंचेंगे और हम ये जो है इससे पहले कि उनका ये बताएं कि किस तरीके से आदिवासियों को लेकर उनका पूरा जो है राजनीतिक जीवन रहा है, सभी में वो समर्पित थे कि किस तरीके से लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ सकें। और यहाँ पर ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और अभी कुछ देर बाद जो है पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जाएगा। उससे पहले कि ये तमाम जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और सभी जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और निश्चित रूप से उनके निधन के बाद से ये जो स्थितियां हुई हैं और जो हमारे साथ जो है कुछ और नेता हैं उनसे जानना चाहेंगे कि वो किस तरीके से संवेदना
प्रकट करते हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कुछ देर बाद पहुंचेंगे। और इससे पहले कि आप देख सकते हैं तमाम जो कांग्रेस और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री कवासी लखमा, तमाम नेता हैं जिन्होंने संवेदना व्यक्त की है। और एक बार फिर से जो है मंत्री लखमा जी के पास चर्चा करेंगे। लखमा जी, आपसे उनका बहुत ही करीबी रिश्ता रहा है, बहुत आना जाना रहा है, एक ही समय में आप लोग विधायक, आप बहुत सीनियर रहे उसके बाद ये विधायक बने, कैसे देखते हैं पूरे उनके राजनीतिक जीवन? विधायक तो हम लोग साथ में बने हैं, लेकिन इस गांव में मेरे को बचपन से आना जाना है, इसलिए मेरा बचपन से इसका दोस्ती था, घर का संबंध था। तो MLA हम लोग बाद में बने, पहले मैं इस गांव में आके खेलता था, कूदता था। इस गांव के लोग हमारे यहाँ गुरुजी थे, तब इस गांव आता था, इसलिए मेरा पुराना संबंध। जब राजनीति में आए, ये शुरू से अर्जुन सिंह के साथ जुड़ा हुआ था, अजीत जोगी के साथ जुड़ा हुआ था। मैं बोले सीनियर हूँ, राजनीति में पहले ही जुड़ा है, ये 17 राजनीति जीवन में बिताए। मैं तो उस समय व्यापार उपर में था, तो आपने सुना राजनीति में लाने में बहुत प्रेरित करता था कि अब भी राजनीति में आओ, इसलिए मैं आज हमारे पार्टी के लिए भी, हमारा समाज के लिए भी, मैं दक्षिण बस्तर तथा ये उत्तर बस्तर में रहने के बाद भी हम लोग एक दूसरे का हर समय दुख सुख में साथ देते थे, लेकिन आदिवासी समाज के लिए बहुत दमदार और नेता थे। अपना लड़ाई करने में, अपना बस्तर की बात करने के लिए, आदिवासी को बात उठाने में, पार्टी पूर्व में हो चाहे बाहर हो, चाहे समाज के बैठक में हो, ये अपना दबंग के साथ बात करता था। ऐसा नेता को जाने से बस्तर में बहुत क्षति हुआ है, समाज के लिए भी क्षति हुआ है, पार्टी के लिए भी हुआ है। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी है। मोहन मरकाम जी, इससे जुड़ी कोई यादें जिसको लगता है कि ये एक पॉलिटिशियन में होना चाहिए, आप लोगों को भी लगता है कि इनसे हमको ये सीख मिली? देखिए, हम लोग माननीय मंडावी जी और मैं, हम लोग कांकेर कॉलेज से पास आउट हुए, ये लॉ में हुआ करते थे, मैं फर्स्ट ईयर में हुआ करते थे। इनका इसने आशीर्वाद हमें स्टूडेंट लाइफ में भी मिलता था, छात्र राजनीति में भी बस्तर की समस्याओं को लेकर आवाज उठाते, तो कहीं ना कहीं वो सीख आज भी हमें देती है जो छात्र राजनीति से निकलकर इस मुकाम तक पहुँचे हैं और बस्तर के विकास के लिए, बस्तर के प्रगति के लिए हमेशा आगे आते थे। ऐसे जन नेता का जाना हम सब के लिए, पार्टी के लिए भी और बस्तर के आदिवासी समाज के लिए भी बहुत अपूर्ण क्षति है। और कुछ वरिष्ठ लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे। और जी, आप कुछ बताएंगे इनसे जुड़ी यादें जो लगता है कि पॉलिटिशियन में ये चीजें? मनोज मंडावी जी बहुत करीबी और मेरे एक छोटे भाई की तरह हमेशा रहे हैं, साथ में हम विधायक रहे हैं और वो एक दमदार नेता के रूप में जहाँ भी अगर कोई बात अगर होती थी तो दमदारी से अपनी बात रखते थे। और निश्चित ही मैं समझता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से राजनीति की है उस तरीके से राजनीति हर व्यक्ति को करना चाहिए और उनका जो सम्मान है वो जितना हम कहें उतना कम है। ऐसे व्यक्ति को जाना एक मेरी अपनी क्षति तो है ही है, समाज के लिए भी है, पार्टी के लिए भी क्षति है और ऐसा व्यक्ति हमारे बीच से चला गया। तो आपने सुना राहुल कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग पहुँचे हुए, उनका कहना है कि उनका राजनीतिक जीवन और खासकर वो आदिवासी समाज के लिए जो है वो समर्पित है। हमारे साथ जो बृहस्पत जी हैं, बृहस्पत जी आप भी आदिवासी हैं, मनोज मंडावी जी भी आदिवासी रहे, हमने देखा कि वो आदिवासियों के लिए खूब लड़ाइयाँ लड़े, विधानसभा में भी जब वो उससे पहले उपाध्यक्ष नहीं थे उससे पहले वो भिड़ जाया करते थे, कैसे देखते हैं उनके इस? देखिए, बहुत बड़ा क्षति हुआ है हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए और हम आदिवासी समाजों के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। जब से छत्तीसगढ़ बना था लगातार मनोज भैया हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ते थे, हम लोगों को मार्गदर्शन देते थे, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत हो रहा है, ये हमारा अधिकारी छीन रहा है, हर बात में हम लोगों को बड़े सचेत करते थे। बहुत दुखी था हम लोग आज हैं कि हमारे बीच आज नहीं रहे, विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर हो, संवैधानिक पद में भी उपाध्यक्ष बनने के बाद भी उसने सारी वो समाज को कभी उन्होंने नहीं छोड़ा, समाज को हमेशा आगे बढ़ाने काम किया और पार्टी को भी आगे बढ़ाने काम किया। जब भी राजनीतिक स्थिति हम लोगों की गड़बड़ होती थी, डगमगाता था, तब वो संभालने का बहुत वो अपना अनुभव शेयर करते थे। आप देख सकते हैं कि भाजपा के सांसद भी पहुंचे हुए, संतोष पांडे जी हैं और कांकेर सांसद भी हैं। आप कांकेर से सांसद हैं, कितना नज़दीकी रिश्ता रहा है आप?
मेरा तो खुद भतीजा है, हम एक ही परिवार के हैं, लेकिन वो बहुत जुझारू रहे, किसी काम के लिए काम कराने के लिए अड़ जाते थे, और आज हमारे समाज को, क्षेत्र को बहुत क्षति हुई, और मेरे को बहुत मानते थे, कोई भी काम सलाह लेते थे, चाचा ऐसा राजनीति अपने अपने जगह में हम लोग करते थे, लेकिन उनके राजनीति मैं हस्तक्षेप नहीं करता, मेरे राजनीति में कभी हस्तक्षेप नहीं किए, लेकिन परिवार को लेके, पूरे समाज को लेके, जन जन को जोड़ने काम करता था, जहां भी जाते थे धार्मिक काम कराते थे। अभी भी बोल रहे थे चाचा जी एक बढ़िया मंदिर बनाएंगे शिव जी का करके, वो पूजा पाठ बहुत करते थे। आज अभी दशहरा के दिन हम 4 घंटा चाचा भतीजा चर्चा किए, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, उनका सोच था ये जीवन 2 दिन का है, मिलजुल के हम राजनीति करें, जनोजात को लेकर चलें, और किसी भी प्रकार के जाति भेदभाव ना हो, इस भावना को लेकर। अब इसमें लाखों लोग इस मंदिर में आते हैं, मुसलमान तक इस मंदिर में आते हैं, नवरात्रि में लाख से ऊपर रहते हैं, और ये बहुत ही हमारे लिए तो बहुत क्षति हुआ है, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत नुकसान। संतोष पांडे जी, आपका क्या कहना? वनवासी क्षेत्र में और एक आदिवासी समाज का एक ऐसा विधायक जो बहुत ही सरल और नेक इंसान थे, और मैं तो ये कहूँगा कि वे विशुद्ध सनातनी थे। ये जो मंदिर दिख रहा है, माता के भक्त थे, कोटेश्वर भगवान के भक्त रहे, तो एक ऐसा एक सनातनी व्यक्ति हम सब के मध्य से चले गए, और ये अपूरणीय क्षति है। तो आपने सुना, ये सभी जो कांग्रेस के और भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं उनका कहना है कि काफ़ी जुझारू थे, और खासकर आदिवासी समाज को लेकर वो जो है सामने आते थे। उपाध्यक्ष मनोज मंडावी को अंतिम विदाई दी जा रही है। गृहग्राम नातिया नवागांव में मंडावी का अंतिम संस्कार होगा, और अंतिम विदाई देने दिग्गजों का तांता लग गया है। जिले की प्रभारी मंत्री अनिला भीरिया नातिया नवागांव पहुंची और विधानसभा उपाध्यक्ष के अंत्येष्टि में शामिल हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए हैं। मनोज मंडावी का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। आपको बता दें कि राज्य में एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया है। आपको बता दें कि अंतिम विदाई देने कई दिग्गज पहुंचे हुए हैं। हार्ट अटैक से निधन हो गया था, और राज्य में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ हमसे जुड़ गए हैं। सौरभ, अभी क्या अपडेट, कौन कौन पहुंच चुका है?
बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ देर पहले पहुंचे हैं, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और पहले से ही मंत्री कवासी लखमा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, महिला एवं बाल विकास मंत्री नीला भेड़िया समेत कई कांग्रेस के विधायक और भाजपा के सांसद समेत सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं अंतिम विदाई के लिए। और इससे पहले बता दें कि आज मनोज मंडावी का जो निधन है वो लगभग 7:30 बजे के लगभग हुआ है। उसके बाद जो है उनके पार्थिव शरीर को जो उनका गांव है गिरिग्राम है नथिया नवागांव वहां पर लाया गया और अभी वहीं पर भी सीएम भूपेश बघेल और तमाम जो कांग्रेस भाजपा के नेता हैं वो पहुंचे हुए और अंतिम जो दर्शन है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। और इससे पहले की जो तमाम तैयारियां हैं वो जो है कर ली गई है पूरी तरीके से। एक दिन का राजकीय शोक भी रखा गया है रायपुर और कांकेर जिले में, तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से एक कांग्रेस के नेता इस निधन को जो है क्षति बता रहे हैं। सब हमने सुनाया है कि किस तरीके से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि वे आदिवासियों की लड़ाई लड़ते थे, तो वही मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि वे उनसे मैंने राजनीति सीखी थी। तो इसी तरीके से बृहस्पत सिंह ने कहा कि जब हम विधानसभा में थे तो तब हम उनसे कई जब मामलों में जब हमें उत्तर नहीं मिलता था तब हम उनसे मार्गदर्शन लेते थे। तो सारे जो कांग्रेस के विधायक हैं जो वरिष्ठ नेता है वो अपने अपने यादें जो है बता रहे हैं कि किस तरीके से उनसे यादें जुड़ी हुई हैं मनोज मंडावी के साथ। और निश्चित रूप से जो भाजपा के सांसद भी पहुंचे हैं मोहन मंडावी, उन्होंने भी बताया कि वे उनके भतीजे रहे हैं मनोज मंडावी, तो कैसे जो है समय समय पर उनका आना जाना लगा रहता था गाँव में घर में। तो कुल मिलाकर अभी यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है उनके पार्थिव शरीर पर जो है माल्यार्पण करेंगे और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी पहुंचे हुए हैं। सर, अब आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि दिग्गज तो पहुंचे हुए हैं, उसके अलावा आम लोग भी हैं, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल देखिए, सुरक्षा को लेकर पर्याप्त इंतजाम है यहाँ पर और जिस तरीके से जो परिजन हैं वो अभी आप देखिए हमारी सीधी तस्वीर जो है दिख रही होगी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने जो है उनके परिजन पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो मनोज मंडावी की बहन है उनसे मुलाकात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जो है उसका इतना प्रकट भी कर रहे हैं और जो भी उनकी बहन बता रही कि किस तरीके से काफी भावुक यहाँ पर क्षण है उनके लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी भावुक हो चुके हैं और उनकी जो बहन है मनोज मंडावी की बहन वो सीएम भूपेश बघेल से अभी मुलाकात किए हैं और यहाँ पर तो माहौल जो है पूरे शोक का माहौल है और लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सभी लोग जो है यहाँ पर अपनी अपनी चर्चाएं कर रहे हैं कि किस तरीके से मनोज मंडावी जो है उनके लिए काम किया करते थे, उनके गांव आया करते थे और संभवतः कुछ देर बाद जो है परिजनों से भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुलाकात करेंगे। उनके जो पत्नी है और उनके जो बच्चे हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले की जो उनके पार्थिव शरीर है उनको ले आया गया है यहाँ पर और 3 से 4 गांव यहाँ पर वो हमेशा जाया करते थे और जो उनपे पैतृक जो परिवार से जुड़े गांव है वहां पर भी जो है जो उनकी पार्थिव शरीर है उनको जो है ले जाया गया था और अभी अंतिम संस्कार जो है नथिया नवागांव में किया जाएगा। अंतिम संस्कार को लेकर सौरभ क्या तैयारियां की गई है, किस तरीके से अंतिम विदाई दी जाएगी? जी बिल्कुल देखिए, राजकीय शोक जो है घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा और अंतिम जो संस्कार है वो भी राजकीय इसमें सम्मान किया जाएगा, राजकीय तरीके से जो अंतिम संस्कार जो है वो किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुबह ही आज इसकी जानकारी ट्वीट करके दी थी और मुख्यमंत्री ने भी बताया कि किस तरीके से उनका और मनोज मंडावी का एक लंबा समय रहा है जब वो एक साथ जो है
विधानसभा में जाया करते थे, एक साथ जो है उनके बीच जो है संगठन को लेकर पार्टी को लेकर बातचीत हुआ करती थी। और यहाँ पर धीरे धीरे और जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी पहुंच रहे हैं, और जो यहाँ के बस्तर के जो नेता हैं बस्तर संभाग के वे सभी पहुंच रहे हैं। और सभी जी बिल्कुल, तो सौरभ आप नजर बना के रखें, आगे भी अपडेट लेंगे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद दुखद खबर भानु प्रतापपुर से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी को अंतिम विदाई दी जा रही है, और विदाई की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अंतिम विदाई की ये तस्वीरें। उनके गृहग्राम नाथिया नवागांव में मंडावी को अंतिम संस्कार किया जाएगा, अंतिम विदाई दी जा रही है। और कई दिग्गज जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि जिले के प्रभारी मंत्री अनिला भीरिया नथिया नवागांव पहुंची हुई हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष के अंत्येष्टि में वो शामिल हो रही हैं, वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि मनोज मंडावी का हार्ट अटैक से निधन हो गया था और राज्य में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। भानु प्रताप पर से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मनोज मंडावी को अंतिम विदाई की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कई दिग्गज नेता भी पहुंचे हुए हैं। हार्ट अटैक से निधन हो गया था, गृहग्राम नथिया नवागांव में मंडावी को अंतिम विदाई दी जा रही है, और अंतिम विदाई की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि कई दिग्गज नेता जो हैं वो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं।